ये बहुत ही अलग एक स्टोरी है. मतलब हम जो दिन बिताए वहाँ पे, यमुना के किनारे पूरा सेट बना था वहाँ पे, वी स्पेंड अ ह्यूज 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 टाइम ओवर देयर. मतलब सब टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब ऑफ स्क्रीन की बात कर रही हूँ मैं. इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट डेब्यू इन हिंदी. सो इट वाज वेरी अमेजिंग वर्किंग विद देम, स्पेशली किंग सुब्दा, आवर प्रोड्यूसर. ही इज अमेजिंग पर्सन. आई जस्ट लव्ड वर्किंग विद देम. ये बहुत ही डिफरेंट है. मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट. एक है, ये एक बच्चे की कहानी है जो कि मतलब चोरी करती है, और मतलब जो मतलब लोग, इंसान मर जाते हैं, उनके फ्लावर्स उठा के सिग्नल पे बेचती है. मतलब द वे शी यूज़ टू लीव अ वेरी विलेज काइंड ऑफ लाइफ, एंड हाउ शी ग्रोज अप, हाउ शी एस्टैब्लिश हर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट दैट. लाइक सबके ज़िंदगी में, सबके सब में एक्चुअली एवरी इंडिविजुअल हैव हिज ओन टैलेंट, जस्ट वी नीड टू शो इट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो इंसान को, हर इंसान को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है अपना टैलेंट शो अप करने के लिए. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो आई गेस इट्स वेरी फन, इट्स वेरी फन. रिशिता जी के साथ मेरा सीन नहीं था. मतलब हमारा, आई वर्कड विद समीर सोनी, जन्नत, इवन सिद्धार्थ, बोथ आर अमेजिंग एक्टर, एंड आई जस्ट लव वर्किंग विद देम. इज़ वेरी फनी. लाइक हम पूरे दिन सर पे मस्ती करते थे, एंड वी गेट बैक टू वर्क, एंड वी यूज टू डू द लॉट्स ऑफ फन थिंग्स. इट्स वेरी अमेजिंग. एंड अलाहाबाद पे शूट करने का एक्सपीरियंस वर वेरी खतरनाक. मतलब हर रोज़ बंदूक लेके हर कोई चले आता था, शूटिंग बंद कर देता था. वी यूज टू बी इन द वैनिटी वैन. इट वॉज अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस एज वेल एज वेरी गुड, बिकॉज पूरे टीम साथ थे. बहुत एडवेंचर, द बेस्ट टेस्ट डेज एवर. बात करें, आज प्रीव्यू है, फिल्म के बारे में बात करें तो कब रिलीज होने वाली है, और कितनी एक्साइटेड है फिल्म को लेके, कब शो फर्स्ट होगा, पब्लिक देखेगी, कितनी एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा. आई मीन लाइक रिलीज़ के लिए तो मैं खुद वेट कर रही हूँ, सब वेट कर रहे हैं. कब होगा ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, बट होपफुली वेरी सून, एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई गेस, न्यू ईयर पे. आई होप ये न्यू ईयर हम सब हमारा सब कुछ मतलब सही कर दें. बहुत ज़्यादा. इवन अगर न्यू ईयर पे ये रिलीज होगा, ऑब्वियसली आई एम श्योर इट्स गोना रिलीज न्यू ईयर ओनली, सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी. नॉट इवन मी, इच एंड एवरी वन हु इज़ वॉकिंग ओवर हियर, सबकी ज़िंदगी. इट्स अ वेरी गुड फिल्म, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड. एक्चुअली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ है, मतलब ऐसा कुछ. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड फिल फिंगर क्रॉस, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. या सबसे पहले तो मेरा नाम है प्रथमेश चिवलकर, और बेसिकली जो फिल्म है पूरी यूपी साइड में बनी है, इलाहाबाद शहर में बनी है. तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल था. बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मुझे एसेंट पकड़ने की थी यूपी वाले की. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे. ये मेरी डेब्यू फिल्म है बेसिकली. तो मुझे डायरेक्टर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, कैरेक्टराइजेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प किया. और जैसे जैसे प्रोसेस डे वन से लेकर जितने भी हमने डे शूट किए, तो जितने भी दिन हम थे, हम ऑन सेट थे, और जब भी हमारा सीन नहीं होता था तभी भी हम बाहर सीन देखते थे कि भाई जो बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ हम काम कर रहे हैं वो किस तरीके से टेक देते हैं. तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, और उसी तरीके से मैंने मेरा भी कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ट्राई किया. जी मेरा किरदार है एक, मैं पंख बेचता हूँ, मोर पंख बेचता हूँ. बेसिकली जो अब मेरा लुक है, शायद मुझे पहचानोगे नहीं फिल्म में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाल है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है. तो वो एक्चुअली मेरी ओरिजिनल थी, इसलिए मुझे कास्ट किया गया था वो स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर के लिए, कि मैं पंख बेचने वाला लगूँ, वो एक स्ट्रीट बॉय लगूँ. तो बहुत ही अलग किरदार था, और बहुत ही मज़ा आया मुझे किरदार करते हुए. मेरे मोस्टली सीन सिद्धार्थ निगम सर के साथ थे.
तो बहुत ज़्यादा पहले डर लगा था कि शायद वो ऑलरेडी सीरियल में एज ए लीड थे तो शायद थोड़ा एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा एरोगेंट रहेंगे, पर वैसा बिल्कुल नहीं था। हमने जितने भी सीन्स दिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और हम जितने भी इम्प्रोवाइजेशंस करते थे या फिर कुछ मैं इनपुट बोलता था कि मुझे थोड़ा ये सीन में ऐड करना है तो वो भी उनके इनपुट्स देते थे कि थोड़ा ऐसा कर, थोड़ा फिर और किरदार अच्छा लगेगा, तो उनके भी इनपुट्स मिले, मेरे भी कुछ मैंने इनपुट्स दिए, तो गिव एंड टेक एक आर्टिस्ट के साथ जो रहता है वो बहुत ही अच्छा बना। और सतीश कौशिक सर के साथ भी कुछ सीन्स थे तो सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए, सर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तो ये ऐसा लगता है कि शायद इतने सालों से इतना काम कर चुके हैं तो थोड़ा एटीट्यूड रहेगा, एरोगेंस रहेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब रिलीज़ हो, कब ये लोगों के सामने आए ये फिल्म और हम सब लोग इस सब का लाभ उठा सके। थैंक यू। अब सवाल पूछिए फिर मैं उस हिसाब से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जस्ट फिंगर्स क्रॉस कि सब अच्छा हो, बॉक्स ऑफिस पर चले, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। थैंक यू। तो जैसा कि आज जो प्राइवेट प्रीव्यू है हम सब देख रहे हैं, प्राइवेट स्क्रीनिंग है आज, तो हम जितने भी एक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब मिलके हम साथ में देख रहे हैं और नो डाउट हम सब ने बहुत मेहनत की है। 2 साल हो गए इस फिल्म को, बने बहुत पहले बन चुकी थी ये फिल्म, तो ये फिल्म में बहुत मेहनत हुई है, इस फिल्म में बहुत हार्डवर्क हुआ है और बस होप करते हैं कि अच्छी फिल्म बने और बहुत जल्दी ये रिलीज़ होने वाली है तो आप सब देखिए। इस फिल्म में मेरा जो किरदार है, मेरे किरदार का नाम है शिवा, जो कि बहुत ही एक बहुत ही छोटी सी जगह से बिलोंग करता है, बहुत गरीब है, उसके पास ही इज़ अ पुअर गाय, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बट ही है, ही हैज़ अ टैलेंट, बट उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये जो मूवी है इट्स ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसे कैसे यूज़ करना चाहिए और लक, ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें। तो शिवा का जो कैरेक्टर है बहुत लोग अपने रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं और उसको अपने जब वो देखेंगे, जितने भी लोग हैं जो लोग उस सिचुएशन जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके लिए बहुत उनसे ये कैरेक्टर रिलेटेड है। थोड़ा स्लम बॉय है वो, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो सुबह इतनी मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है, सोता नहीं है, तो ये सारा उसका किरदार है। इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी मुझे भी। तो जब ये रिलीज़ होगी, जो शिवा का कैरेक्टर जब आप लोग देखेंगे तो आप सब इसको रिलेट कर पाएंगे खुद से। बहुत ही अच्छी जगह शूट हुई है, मेरे घर में ही शूट हुई है, समझ लीजिए इलाहाबाद में शूट हुई है, इसकी पूरी शूट इलाहाबाद में, बनारस में, और बहुत इलाहाबाद में ही मोस्टली सारी शूट इलाहाबाद में हुई है जहाँ मेरा शहर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इलाहाबाद के लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया वहाँ पे, बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म को लेके, तो बहुत मज़ा आया शूट करने में, बहुत मज़ा। इलाहाबाद जैसा कि मेरा ही शहर है, वहाँ के लोगों मैं अपना फ़ैन नहीं कहूँगा, वहाँ के जितने भी लोग सब मेरी फैमिली हैं, क्योंकि इलाहाबाद में मेरी फैमिली रहती है पूरी और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब वहाँ पे शूट हुई तो जितने भी लोकेशंस की जो प्रॉब्लम थी वो सब वहाँ पे ऐसा थी कि सिद्धार्थ हमारा बेटा इलाहाबाद में शूट कर रहा है, जिस लोकेशन पे भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा था। तो इतना प्यार मुझे मेरे शहर से मिला, उससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो और शूटिंग के मूवमेंट ऐसे ही बने हमारे, कहीं कहीं बहुत सारी जगह थी जहाँ पे शूट नहीं हो पाती थी, बट जैसे ही पता चलता था कि सिद्धार्थ निगम जो इलाहाबाद में रहते हैं तो एक होता नहीं कि अपने शहर का लड़का, अपने शहर का बेटा है, तो एक माहौल बन जाता है, ढेर सारा प्यार मिलता है और सपोर्ट बहुत मिला। जो मेरे फैंस थे इलाहाबाद में हर रोज़ आते थे, मुझसे मिलते थे और पिक्चर क्लिक कराते थे और ब्लेसिंग्स देते थे। बहुत सारी आंटियाँ थी इलाहाबाद में जो रोज़ खाना लेके आती थी रात का, मुझे बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं था, बट वो उनका प्यार था जो वो आती थी और मेरे लिए खाना लेके आती थी। बात करें,
समीर सर, रिश्ता मैम एंड सतीश सर, मुकेश ऋषि सर, जन्नत, ये सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और समीर सर, रिश्ता मैम बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, सतीश कौशिक सर वो भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा, नो डाउट। एक्टिंग को लेके यू नो टेक्निकल चीज़ें सीखी बहुत सारी, क्योंकि वो यू नो प्रैक्टिकली एंड थ्योरी दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया और बहुत सपोर्ट किया इस कैरेक्टर को लेके भी और फिल्म को लेके भी। जितनी मेरे दर्शक हैं मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह देते रहिए। और आप सबके लिए मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है हमारी एक पूरी टीम ने, तेज़ रफ्तार, तो प्लीज़ गाइस डू वॉच दिस फिल्म एंड गिव योर लव। थैंक यू सो मच। न्यू ईयर आने वाला है, नो डाउट। मैं हर साल एक नया रेजोल्यूशन लेता हूँ कि आज मैं ये करूँगा, इस साल मैं ये करूँगा। इस साल भी मेरा यही है कि मैं आज जितनी मेहनत किया अगले साल मैं और मेहनत करूँगा और बुलंदी तक पहुँचूँगा। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहना चाहेंगे, फिल्म का आज फर्स्ट प्रीव्यू है, सेंसर बोर्ड में जाना है, क्या कितनी एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, तेज रफ्तार न्यू ईयर आने को है, क्या कहना चाहेंगे? जन्नत बोलिए, आपकी फर्स्ट फिल्म है जी? जी प्लीज। हाँ, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट? हाँ, शूट तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया शूट करने में, और थोड़ा टाइम लग गया हमें देखने में, तो अब देखने से ऐसा लग रहा है कि ओ हमने ये भी किया था, तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है हमें भी देखने में। और आफ्टर ऑल देन बीच में डाल दिया, बीच में डाल दिया, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगी हमारे को फिल्म। और एंड देन आफ्टर ऑल समीर जी हैं, ही इज सो नाइस, ही इज सो नाइस थ्रू आउट द शूट, आफ्टर द शूट ही इज स्टिल सो नाइस। इतने मेरे, शी इज प्लेइंग माय डॉटर सो शी मेक्स मी लुक गुड, सो एंड मेक हिम लुक थिन एज वेल। Let's not talk about that. But no, honestly, it's come out very well. I think we are very happy with it from what we've seen. And I think a lot of people will be surprised to see the performances and the story. It's a very simple story, relatable. So we are very excited. Hai, and especially because launching Madam here and Siddharth and Jannat, because they are sort of playing the main couple, I think. You think? मैं परेशान हो गया था, मैं इनको बस लग रहा था मैं स्कूल में आ गया हूँ, ये बच्चे हैं, मैं टीचर हूँ, अरे सीधा खड़े नहीं। बोथ वर वेरी नाइस, वेरी प्रोफेशनल, मतलब इनकी उम्र में मैं था तो मुझे कुछ नहीं पता था, इनको सब कुछ मालूम है। एंड बिकॉज दे बीन एक्टिंग फॉर अ वाइल, मतलब टेलीविजन कर रखा है, ये सब कर रखा है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड for them also, you know, Siddharth and Jannat, and they've done a fantastic job, very mature performance. Samir ji, like you said, because they've done in TV, so how much experience has it kept for playing a good role, so that it's easier to work in tuning and work in tuning? I don't understand your question. Like you said, Jannat, Siddharth, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है स्क्रीन पे, लाइक टीवी में इन्होंने जिस तरह से काम किया, तो एक एक्सपीरियंस रहा है। देखिए, आई थिंक होता क्या है कि एक्सपीरियंस में ये होता है कि अगर आप सीन कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं समीर के साथ काम कर रही हूँ या कुछ, या मैं नहीं सोच रहा हूँ जन्नत है, तो मुझ में ये अपने फादर को देख रही हैं और इनमें मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस से आता है आपको। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो आप सोचते रहेंगे अरे यार ये फलां फलां ये एक्टर है। And she's remarkably mature. I'm very, my inkele isliye nahi bol raha because she's standing right next to me. I sincerely feel that she's remarkably matured for her age. And even Siddharth, you know, has done a fabulous job. But mera zyada kaam inke saath tha because she plays my daughter. So yeah, mujhe laga hi nahi. I mean, it didn't really feel like bachche hain ye. They were like professionals and did a fantastic job. नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट थिंक ऐसा कभी कुछ हुआ था, बट शूट करने से पहले ऑब्वियसली मैं सोच रही थी कि कैसे होंगे। ऑब्वियसली मैं इनकी फिल्में बचपन से देख रही हूँ और मैं फोटो शूट नहीं, अरे और बचपन नो नो दैट इज ट्रू, दैट इज आई मीन
I did my debut before she was born, so let's get that straight. हाँ, so मतलब but I remember हमारा photo shoot एक look test का हुआ था जिसमें मैं थोड़ी सी hesitate हो रही थी and then he was like नहीं अच्छे से, और तभी से उन्होंने मुझे बहुत comfortable कर दिया था. तो हमने इलाहाबाद में शूट किया और फिर वहाँ पे थ्रू आउट द शूट में इनके साथ बहुत कंफर्टेबल थी, और अभी भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मुझे पता लगता है कि ये आ रहे हैं और इनसे मैं मिलने जा रही हूँ या हम कभी अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं. तो आई एम तो वेटिंग अभी नेक्स्ट फिल्म में कौन साइन करेगी, सो आई बिकम द फादर गाय नो बिकॉज़ आई नो दैट शी इज गोना बी अ बिग स्टार वेरी वेरी सून. लास्टली अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, फिल्म के रिलीज को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्सनली इतना कहना चाहूँगा कि इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, एज इन कि इट्स अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ सिंपल बॉय एंड अ सिंपल फैमिली, और इट्स अ फैमिली फिल्म. ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते एंड स्टफ, एंड देयर वेरी बिलीवेबल रियलिस्टिक, एंड आई नो जन्नत एंड सिद्धार्थ हैव अ लॉट ऑफ फैंस. इफ यू वांट टू सी हर यंगेस्ट, इफ यू वांट टू सी जन्नत एंड सिद्धार्थ, you must see the film. They are very good in the film, and I think everyone who's following her has to see this film, because this is like the first time we'll see them on big screen, and it's a very family film. I think everyone will enjoy it, and Jannat will speak rest. Go on, please. Rest abhi. No, bolo. Everybody who's your following, fans, your fans start following him as well. Yeah. Just join Instagram. Ek saal bhi nahi hua, I'll start following him as well. Apna ID boli, Sameer Soni. One, two, three. That's it. Good. Yes. So yeah, if you're her fan, you gotta follow me. Yeah. देखो ये फादर होने का फायदा होता है. मैं थोड़ा सा बॉस कर सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ जन्नत. So follow him right away, and जो भी उन्होंने कहा कि हम, I'm sure हमने मेहनत करी है और आपको पसंद आएगी फिल्म, और बहुत ही सिंपल स्वीट सी कहानी है, आप कनेक्ट भी करेंगे. और हाँ, बस जैसी रिलीज होगी जाइए, सब लोग जाके देखिए, तेजी से जाइए, तेज रफ्तार देखिए, भाग के जाइए. मैंने आपको अपना किरदार बताया. जो इस फिल्म में मेरा किरदार है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो शिवा है, जो एक स्लम एरिया से बिलोंग करता है. ही इज़ अ पुअर गाय, उसकी फैमिली भी नहीं है उतनी अच्छी, और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, फोकस्ड है, और वो कुछ करना चाहता है, बट उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है. तो वो उसकी फीलिंग्स ये है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, बट उसके पास मौका नहीं है. इसलिए मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसे है. मेरा तो रोल बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल और बहुत ही स्वीट लड़की का है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है. एक प्रॉब्लम है, उसको स्कूल जाती है, भागना चाहती है बिकॉज़ उसके फादर एक कोच हैं और उनके सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसको पोलियो है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाती है. तो उसका एक रिग्रेट उसको थ्रू आउट रहेगा, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी पॉजिटिव, अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड, अ वेरी सपोर्टिव डॉटर. सो या लड़ाई के दो तुम या नखरे आपको कुछ नहीं, हम दोनों बहुत छोटे हैं नखरों के लिए. दोनों कभी कोई नखरा नहीं करते. हम दोनों एक दूसरे को बल्कि सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सीन को लेके, कैरेक्टर को लेके, और बस. आंटी पीछे से झूठ 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 बोल रही हैं, पता नहीं क्यों. बट नो डाउट, शूटिंग करते वक्त हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, और मेरे शहर में शूटिंग थी, इलाहाबाद में शूटिंग थी. आई रिमेम्बर हम लोग अपनी फैमिली से मिली, तो इसे ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा. हां मेरा तुम्हें बहुत अच्छा लगा बोल रहे हो. हां तो आई रिमेम्बर कोई एक फेमस जगह थी जहां से ये लोग वो खाते थे टिक्की, और वो क्या दही वाला होता है, फुल्की, इलाहाबाद में फुल्की बोलते हैं. हाँ, तो जब भी जल्दी पैकअप हो जाता था, गोलगप्पे भी, तो जब भी जल्दी पैकअप होता था, तो हम गाड़ी वहाँ से निकालते थे और गोलगप्पे भाई, वो दो तीन चीज़ें बना के. इलाहाबाद में इतनी भी फेमस और अच्छी चीज़ें, गोलगप्पे, चाट, और क्या, टिकिया, चाट, टिकिया, एक ही होते, टमाटर, और एक सकोड़ा, क्या सकोड़ा,
बहुत अच्छा होता है मूवी। व्हाट इज सकोरा? कोई ऐसी जगह है ना, क्योंकि आपका ही शहर है, आपका ही, तो आपने कभी इनको कहीं कुछ ऐसे कोई फेवरेट स्पॉट या ऐसी कोई? नहीं नहीं नहीं, भट्टे ले गए थे ना हमारे भट्टा है, ओ यस यस, वहाँ पे भट्टा भट्टे ले जाके हमने इनको बाटी चोखा खिलाया था, वो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी था, गरम गरम था, आई रिमेम्बर, वहाँ भैंस की थी, गरम गरम बन के आता है बाटी। हाँ, आई रिमेम्बर वी टुक पिक्चर्स ओवर देयर। हाँ, हमने पिक्चर लिए थे भैंस के साथ, उसके भैंस बहुत पसंद आई थी। भैंस पसंद नहीं आई कुछ? स्कूल में मेरे स्कूल में तो शूट हुआ था, तो वहाँ पे भी गई, मतलब इलाहाबाद में मेरी हर फेवरेट जगह, मतलब जितने भी फेवरेट स्पॉट्स हैं इलाहाबाद की, हर जगह गई और इसने बहुत एंजॉय किया। अंजना, कुछ कहना चाहेंगे लास्टली अपने व्यूवर्स को कि मतलब किस, मतलब फिल्म्स देखें, क्यों देखें, क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यूवर्स को? फिल्म्स देखें, क्यों देखें, फिल्म्स देखें, नहीं नहीं, फिल्म प्लीज़ देखिए और क्यों देखें तुम बताओ। अच्छा, वाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, प्लीज़ फिल्म देखिए और क्यों देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं तेज़ रफ्तार को देखने के लिए। एक अच्छी सिंपल स्टोरी है जिससे आप कनेक्ट करेंगे, और कोई ऐसा एज ग्रुप भी नहीं है कि यू नो सिर्फ यूथ देख सकता है या फिर सिर्फ बड़े लोग देख सकते हैं या बच्चों की है, आप पूरी फैमिली के साथ जाकर ये फिल्म देख सकते हैं। आई एम श्योर आप कनेक्ट करेंगे, और हमने तो ऑब्वियसली मेहनत की ही है, एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, तो जाइए देखिए। और ये फिल्म आपको एक मैसेज देती है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यू नो पर्टिकुलरली एक स्टैंडर्ड के लोगों में ही यू नो टैलेंट होता है, जो बच्चे जिनको सपोर्ट नहीं होता, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनमें भी टैलेंट होता है, उनको भी एक चांस देना चाहिए ताकि वो भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। तो हाँ, इसीलिए जाइए और तेज़ रफ्तार तेज़ी से जाकर आप देखें जैसी आएगी। सो उनके साथ मैं एसोसिएट हूँ इस फिल्म में। अचानक ही इस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया जो इंटर प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है, तुम डिज़ाइन करो, पूरी कास्टिंग करो, इसको बनाना है बॉम्बे में। बट इट्स केम वेरी सडनली टू मी, और जब मैंने एक स्टोरी सुना और जो चीज़ इस फिल्म के साथ जो मेरी जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर है। और मैं खुद एक बंगाल से बहुत साल पहले शुरू किया था, और आई एम ए स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, बाद में नेशनल लेवल तक जाने का उम्मीद थी, बट जो चीज़ दिखा है, जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उस टाइम पे बंगाली में लड़की की स्पोर्ट्स में आना बहुत डिफ़िकल्टी थी, तो उससे मुझे एक दिल में एक इमोशन पैदा हुआ, और मैंने एकदम दिल जान लगा के तेज़ रफ्तार को आगे लेने के लिए जितनी अच्छी तरह से हो सके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे कास्टिंग, अच्छे म्यूज़िक, एवरीथिंग, हम लोग इसको दिल जान ले के तेज रफ्तार को बना लिया है। एक्चुअली कास्टिंग करना बहुत मुश्किल था, जब किंगशुदा ने आके बोला प्लीज़, और बहुत जल्दी था हम लोगों को, एक्चुअली हमें कुछ टेक्निकल रीज़न के लिए बहुत जल्दी मुझे कास्टिंग करना पड़ा। उस टाइम बहुत सोच समझ के जो कास्टिंग चाहिए था, जिसका डेट नहीं हो रहा है, दिस दैट दैट, और मेरा हमेशा एक मन होता है जो दोस्त लोगों के साथ काम करे, क्योंकि उसमें टीम वर्क, उसमें वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी बहुत अच्छा होता है। तो फिर बस एक दो को अप्रोच करते करते समीर मिल गया, और समीर ने बहुत पॉजिटिवली एकदम इमीडिएटली मुझे कोऑपरेट किया, येस बोला, पिक्चर के लिए टाइम दिया। ऋषिता भी सेम थिंग, देन मुकेश ऋषि, फैंटास्टिक एक्टर, ही वॉज अ वेरी बिजी इन साउथ, बट दे ऑल लव मी, नो मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और उनको एक उम्मीद थी जो शोमू जब अप्रोच कर रही है तो इस प्रोजेक्ट ज़रूर कोई अच्छी प्रोजेक्ट होगी। सतीश कौशिक जी को लास्ट मिनट हम लोगों ने इसमें इम्पैक्ट किया है, फिर अंजन श्रीवास्तव है, मुश्ताक खान है, आई थिंक उसके बाद जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यू नो लाइक फैंटास्टिक थ्री सॉन्ग आर देयर। मीका ने दोस्ती निभाई, मुझे बोला था तो अप्रोच करेगी तो ज़रूर करूँगी, मैंने हिम्मत किया, मैंने बोला भले ही ये मेरी डायरेक्ट फिल्म क्यों ना हो, बट जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ते हैं उसमें दिल जान करके अपना ही बना लेते हैं। तो मीका सैंग वन सॉन्ग वेरी गुड, शान एक गाना गाया, फिर आई थिंक अरमान मालिक को मैंने अप्रोच किया, ही वॉज़ वेरी फैमिली फ्रेंड, उनके डैडी ने एकदम सुन के कोऑपरेट किया, तो मुझे लग रहा है फिल्म अच्छा होनी चाहिए। और ये एक मोटिवेट फिल्म है, एक्चुअली ये कमर्शियल लेवल नहीं है, मोटिवेट फिल्म है, सोशल कॉज है, सारी चीज़ एक पॉजिटिविटी है इसमें, यू नो लाइक। और किंगशुदा का एक हमेशा नेचर है न्यू टैलेंट को आगे बढ़ाना, किंगशुदा के हाउस से इस फिल्म में आपको वो भी देखने को मिलेगा, इतने सारे नए टैलेंट को उन्होंने ढूंढा ना, बंगाल से ढूंढा, यूपी से ढूंढा, किंगशुदा आई थिंक इस फिल्म में चार पांच नए टैलेंट को भी मौका मिला, जो हिंदी में बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रॉक, आई वुड लाइक टू इन्वाइट किंगशुदा एंड माई डायरेक्टर, जो जिनके लिए ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ,
आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल सुनंदो मित्रो, जिनकी ये ड्रीम है, जिनकी ये बच्चा है, हम तो उनकी जस्ट साथ साथ में है, और किंगशुभदा किंगशुभ गुण कौशिकदा जी नहीं है हमारे साथ में. सो हम लोगों ने मिलकर एक अच्छा फिल्म को डिज़ाइन करने की कोशिश किया, दर्शक को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया है, एक मोटिवेट करने की कोशिश किया है, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है. यू नो, जो स्लम बच्चे होता है या कोई भी नीडी लोग होता है, जिनको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत प्रॉब्लम है. तो इस फिल्म में वही दिखाया गया है जो एक अच्छे कोच के नज़र में अगर कोई टैलेंट आ जाता है, उसको कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं और कितनी तकलीफें जाना पड़ रहा है, कितनी पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली वो कैसे एक पॉजिटिव शेप लेते हैं. सो प्लीज़ किंगशुभदा एंड सुनंदो मित्रो, इफ़ यू कैन जॉइन विथ मी. कम ना अमित बेरी जब जस्ट रखो. ये किंगशुभ गुण है जिनकी ये बेबी है, ये फिल्म है. मैंने आपको बोला है बहुत अच्छे से एक पैशन लेके ही वांट्स टू मेक दिस फिल्म, एंड टैलेंट को देखने को मिलेगा. तो किंगशुभदा जस्ट हैव टू वर्क. बस करना वो भी यूपी जैसे जगहों में जहाँ पे जनक ने भी बताया काफी लाइक एक्साइटेड. यूपी में जाके शूट करना बहुत ही तकलीफ की. यूपी में जाके शूट करना एक चैलेंजिंग बात तो होती है, अपना शहर से रोके दूसरा शहर में जाके करना, लेकिन हमारा इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग हमको लेना है. उस हिसाब से हम लोग अच्छे से काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक ठाक हो गया. अभी शूट कंप्लीट हो चुका है. अब पहला प्रीव्यू है हमारा, अभी सेंसर में जाएगा. उसकी पहले हम लोग पूरा एक बार साथ में बैठ के देख लेना चाहते हैं कि कोई कमी तो नहीं रहेगी, कुछ ये तो नहीं रहेगी. तो आर्टिस्ट वगैरह सब आई, सब क्रू मेम्बर सब मिल के प्राइवेट प्रीव्यू हो रही है, उसको देख लिया. अभी कल सेंसर में चला जाएगा, फिर अगले एक या डेढ़ या दो महीने के अंदर हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं. न्यू ईयर आने को है, तो क्या कहना चाहेंगे मतलब दर्शकों के लिए कि तेज रफ्तार भी. बस न्यू ईयर में हम लोग को रिलीज करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबको एक न्यू ईयर के लिए अच्छा फिल्म भी मिले, हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा न्यू ईयर में फिल्म मिले. बाकी देखने के बाद ही दर्शक जज करें कि कैसा हो सकता है. फिल्म के बारे में बात करें, क्या ये एकदम मेलो ड्रामा होगा क्योंकि स्लम बॉय का से रिलेटेड है ये, या फिर मतलब क्या किस तरह का ये फिल्म? ये एक्चुअली हम लोग एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि स्लम का जो बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग का अंदर बहुत सारा टैलेंट रहता है, लेकिन वो टैलेंट को पहचानने वाला कोई होना चाहिए, पहचानने वाला कोई होना चाहिए. तो उस हिसाब से पूरा फिल्म को कि स्लम का बच्चे को कैसा अगर किसी का साथ मिले, कैसे वो लोग स्पोर्ट्स का टॉप तक पहुंच सकते हैं, बस इसके ऊपर ही पूरा फिल्म बनाया हमने. बाकी सेंसर से आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म, क्योंकि अभी कल सेंसर में जाने वाला है, काफ़ी ऐसी अड़चने आती हैं फिल्म की तरफ से भी, कट्स नहीं हुए. नहीं, हम लोग ये स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है और बच्चे को लेके है, ये हम लोग को यूएई मिलने वाला है, ऐसा कोई भी सेंस नहीं है कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए. तो हमारा उम्मीद है कि यूएई मिलेगा या यू मिलेगा, हम लोग यू मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं. तो दो एक अपशब्द है, लेकिन यूएई ज़्यादा से ज़्यादा यूए, नहीं तो यूए का ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब मिल के देख सकें. थैंक यू. प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे तेज रफ्तार फिल्म के बारे में, आपने फिल्म आज प्रीव्यू में देखा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म की ये है कि जो आजकल का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सिनेरियो है इंडियन एथलेटिक्स के माहौल में, उसमें ये फिल्म बिल्कुल फिट बैठती है. आज अगर आप पिछले स्पेशली पिछले 3-4 साल में हमारे इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस देखें, तो हमें ये समझ में आएगा, चाहे वो जकार्ता एशियन गेम्स हों, चाहे वो रियो ओलंपिक्स हों, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स हु हैव एक्चुअली वन मेडल्स एंड हु ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री आर द वंस हु हैव कम फ्रॉम यू नो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड्स. चाहे आप ओपी जैशा की बात करें, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मैराथनर हैं, 1500 मीटर में चैम्पियन एथलीट हैं, रियो ओलंपिक्स में बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी. चाहे आप स्वप्ना बर्मन देखें, चाहे आप ओपी जैशा देखें, चाहे आप हिमा दास देखें, चाहे आप नीरज चोपड़ा देखें जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं, इन सब का बैकग्राउंड आप अगर देखें, तेजिंदर सिंह देखें, चाहे आप
जो लॉन्ग जंप एथलीट हैं, इन सब के बैकग्राउंड्स देखें, आप इनकी लाइफ जर्नी फॉलो करें अगर आप, तो ये समझ में आएगा कि कितने कमाल की स्पिरिट इन लोगों ने दर्शाई है अपने चैलेंजेस पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, इन्होंने ओवरकम करके दे हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री. सो दिस मूवी तेज रफ्तार इज समथिंग सिमिलर. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु कम्स फ्रॉम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बैकग्राउंड और कैसे वो अपनी चैलेंजेस को ओवरकम करके एक चैम्पियन एथलीट बनता है. बहुत शानदार स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है. वो स्टोरी है जो अब बहुत सारे एथलीट्स में हमें देखने को मिलती है. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत कमाल का सबक है किस तरीके से हम टैलेंट को स्पॉट करके उसको ग्रूम करें. जिस तरीके से पिछले 4-5 साल में हमारे देश ने देखा, बहुत समय के बाद करीब 20-25 सालों के बाद मैंने पिछले 4-5 साल में एथलेटिक्स में इंडियन एथलीट्स को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा, चाहे वो एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, ओलंपिक गेम्स हों, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है. आई जस्ट होप तेज़ रफ्तार जो फिल्म है वो इस इंडियन एथलेटिक्स की इनक्रेडिबल जो जर्नी शुरू हुई है इसको और आगे लेके जाएगा और इंस्पिरेशनल बनेगा नौजवानों के लिए. आई विश द होल टीम अ फैंटास्टिक रन एट द बॉक्स ऑफिस. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म का फर्स्ट प्रीव्यू है, कल सेंसर में फिल्म जाने वाली है, कितना एक्साइटेड है? वन मिनट, दिस फोन विल डिस्टर्ब. सर क्या कहना चाहेंगे, फिल्म का आज फर्स्ट प्रीव्यू है और कल सेंसर बोर्ड में जाना है, कितनी एक्साइटेड है फिल्म को लेके तेज रफ्तार, क्या कहना चाहेंगे? एनी फिल्म ऑफ माइन इज लाइक एनी फिल्म ऑफ एनी डायरेक्टर, इनफैक्ट डायरेक्टर इज ऑलवेज एक्साइटेड. साथ में ऐसा भी होता है बटरफ्लाई इन द स्टमक, क्या रिएक्शन मिलेगा लोगों का. सो एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक लाइकेबल बाई पीपल. रेस्ट ऑफ द थिंग्स द ऑडियंस विल टेल अस. इज द फर्स्ट प्रीव्यू, सो डेफिनेटली आई एम लिटिल टेंस्ड. डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इस फिल्म को लाइक इलाहाबाद यूपी में डायरेक्ट किया गया है, तो कितना एडवेंचरस रहा है वहाँ पे काम करना, स्टार कास्ट के उनको कन्विंस करना कि हम यूपी में फिल्म को शूट करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्टार कास्ट को कन्विंस करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि इलाहाबाद शहर जो है दैट इज़ द वन ऑफ द सिटी इन इंडिया विच हर एक स्कूल में है, मतलब स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया जाता है उस शहर में. सो ऑल द स्कूल्स हैव अ जिमनेशियम, ऑल द स्कूल्स हैव अ जिमनास्टिक एरिया, हर तरह के स्पोर्ट्स को उधर प्रमोट किया जाता है. सो हेंस वी चोज दैट सिटी. एंड रिगार्डिंग शूटिंग द फिल्म, यस वी वर शूटिंग ड्यूरिंग समर और उस टाइम पे टेम्परेचर था उधर पे 48-49 डिग्री सेल्सियस, तो स्कॉर्चिंग हीट, तो उसके अंदर ही शूट किए हम लोग. एंड विद इन 40 डेज वी रैप्ड अप द शेड्यूल. एंड बीच में दो बार हमारा मतलब सेट भी टूट गया बिकॉज ऑफ वो एक ये आया था, तूफान आया था बहुत ज़बरदस्त. तो उधर उधर मतलब तूफान आने से क्या होता है, इतना धूल उठती है कि यू कांट इवन वॉक ऑन द स्ट्रीट्स, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा. तो इसको आंधी बोलते हैं हम लोग, दैट काइंड ऑफ अ स्टॉर्म. But it was fun shooting the film because I had a very interesting star cast who were very cooperating, and even the crew was very good, very cooperating crew, and hence we wrapped up the schedule in a flat 40 days time. Film ki release date ke bare mein janna chahenge, kab film release hone ko hai? Now that the film is ready, to khatam ho gaya hai picture, because beech mein kafi sara delay hua tha kyunki kuch VFX ko leke problem hua tha, so that delayed the film a little bit. बट अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसको, एंड इट्स द फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल. आई मीन प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग विल सी द फिल्म इन द थिएटर्स. थैंक यू सो मच.